प्रभु दाई आगुश वलायत मखदूम अहले सुन्नत काशिफे रमूज हकीकत हजरती पीर तरीकत रबर शरीय जनाब पीर सैयद मोहम्मद अजहर हुसैन शाह साहिब गिलानी कादरी फाजली अल मारूफ नूर वाले आप माफल के अंदर तशरीफ लेके आए और माफल नू मजीद चार चांद लग गए। अल्लाह तबारक व ताला आप नुमर खिजरी अता फरमाए और आपका साया साढ़े सरा ते अल्लाह करीम हमेशा सलामत फरमाए। भाई अपने शोर नू खत्म करो मेहरबानी, जिक्र इमाम अली मुकाम की माफले चाहो। मैं अर्ज कर रहा असा कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हर ईमान वाले नू के पलीदी तो दूर रहे, क्योंकि इन अल्लाह युहिब्बु तवाबीन व युहिब्बु मुततहिरीन। अल्लाह आप भी पाक है ते पाक चीजां ते पाक लोगों को पसंद फरमा दे। अल्लाह चाहता हर ईमान वाला पाक रहे। इस वास्ते हुक्म है कि खबरदार ईमान वाले पलीदी के करीब ना जावे, मगर पलीदी नु हुक्म है कि खबरदार मुहम्मद की आल के करीब ना जावे। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों फरान की चोटियां ते खलो के ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफारे मक्का ने सवाल किया है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी नबूवत ते रिसालत दे दावेदार हो तो अंबिया ते रसूल ते तुहाडे तो पहले भी आए ने, अगर तुसी नबूवत ते रिसालत दे दावेदार हो ते रब ने नबियां नू अदमतां दे के भेजिया, ड्यूटियां लगा के भेजिया, मुजजात दे के भेजिया, जो तुसी नबी ते रसूल हो ते अदमतां ते शाना केड़ियां लैके आए हो ते अल्लाह ने तुहानूं डिग्रियां केड़ियां लगा के भेजिया है। तो गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने फरमाया महबूबा जदों शाना मेरियां पुछदे सां दस ता तू रहा है, हुण शाना पे तेरियां पुछदे ने ते दस मैं ना लवां। अल्लाह ने फिर यार दियां अदमतां भी दसियां ते यार दियां ड्यूटियां भी दसियां। मैं पढ़ा कुरान जी आखो सुभान अल्लाह, भाई मैनू नहीं पता नथू चकवा लियो कि मेरे आमद तो पहले तुसी किवें दे बैठे सो ते की करदे रहे हो। मैं ते हुण वेखना है कि मैं जिक्रे इमामी अली मुकाम करन लगा ते तुसा मेरे नाल किवें दा बर्ताव करना है। ये अठाठ चकलीलां वाले भी आए दो चार दिन पहले, मैं इन्हां कोल हाजिर होया। भाई मोहम्मद शफीक साहब भी अजीम शान माफल कराई दो चार दिन कबल, तो मैं उन्हां कोल भी हाजिर होया। इस तो कई गुना ज्यादा बड़े इज्तिमा सन इन्होंने दोनों की महाफल के अंदर, और इन्हीं मैं सुबह अल्लाह कट्ठी करके लैके गया। मेरा दो चार दिन चुखा गुजारा हो गया है, हूँ मैं एक होर महाफल से जाना है। बस मेरा इन्नी सुबह अल्लाह करा दियो कि मेरा उत्थे तक गुजारा हो जाए, फिर मैं मुड़ सियालकोट जाके जुम्मा पढ़ाना है, सियालकोट का गुजारा हो जाए। उच्चा बोलो सुबह अल्लाह। आज जो बंदा हाथ नहीं ना चुकता नाल का बंदा फट के चुके, उच्चा जा बोलो सुबह अल्लाह। स्टेज वाले रोंद नहीं मारना, वेख लो तुसी लड़ाई पे कर दो स्टेज पे बैठन वास्ते, ते तुहानू नबी पाक ने सारे तूचा बिठाया, तुसी सारे तूचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना शाह जी किबला हजूर आमीन फरमान कबूल हो जाए। या अल्लाह जिहड़ा सारे तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे, हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब च कमली वाला आप आवे, तेरा की जाता जो इस तो उच्चा बोलियो ना जागदे महफले च हुसैन दी ते नाने दी ज़ियारत अता फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया अय्युहन नबी इन्ना रुसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नदीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। परवरदिगार ने फरमाया मेरे यार दिया शाना पुछन वाले, अपने यार नू मैं नबी भी बनाए शहीद भी बनाया, अपने यार नू मैं बशीर ते नदीर भी बनाया। जदू यार दिया शाना दसनिया पर यार दिया ड्यूटियां दी वारी आई, अल्लाह फरमाया वदाइयन इलल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया शैतान मेरे बंदे नू गवाह करके ले गया, कमली वाले मेरे बंदे नू मेरे वाले दावत दई जाए। शैतान दी संगत ने पलीद कर दिता भाई जकीम दिया शाना लैके गया, जरा मेरे बंदे नू पाक करी जा। अर्ज की दिया ला मैं दिने भी तेरे बंदे नू पाक करांगा, मैं ते रात भी तेरे बंदे नू पाक करांगा। अर्ज की दिया ला मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा, अल्लाह फरमाया
अल्लाह ने परमा कमली वाले दिन रात मेरे पंदियां नु पाक करी जा, कर वालियां दी फिकर ना करी, इन्हां नु मैं पाक कर देवा। घर वाले भी पाक ने ते दर वाले भी पाक ने, भाई तहरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमा सोनिया तेरी आल मैं पाक कीता। जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैह सलाम ने काबा बनाया ना, दोवें बाप ते पुत्र नबी इब्राहिम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे दे सामने खलो गए। अर्ज कीती तेरा घर बन गए, इजाजत देवे ते असी अपने घर जाइए। अल्लाह फरमाया दोवें बाप ते पुत्र नबी हो, जांदियां जांदियां मेरा एक कम होर नहीं कर जांदे। अर्ज कीती या अल्लाह हुक्म होवे, वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमा लोग हुन इस घर दा हज करन आना है, तवाफ करन आना है, एतकाफ करन आना है, लोग इत्थे रुकू ते सजदे करन आना है। अल्लाह के नबी ने अर्ज की, अल्लाह साढ़े वास्ते की हुक्म है? अल्लाह ने वो हुक्म फरमाया। फिर पढ़िए कुरान, थोड़ा जहा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे को शहीद ना हो जाए। मेरे साईं ताजदार चूरा शरीफ फरमाते होंगे कि पठ पवे वो सोना जड़ा कन्ना नु खावे। किसी माँ बहन बेटी ने कान च बाली या बुंदा पहने हो ना सोने का, कान गल जाए तो वह बीबी सोना उतार के कहती है पठ पवे सोना जड़ा कन्ना नु खावे, तो पठ पवे वह जुबान हो जी कमली वाले के ना तो सुबह अल्लाह ना बोले, वो जी खावे तो नबी का सदका सरकार दे जिक्र ते बोले ही ना, पठ पावे वो जुबान जिन्हों जुबान अल्लाह ने इस बात दे दी है ना कि मेरे ते मेरे यार दा जिक्र करे और उन्हें इस बात की खबर है वह बोले सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमावा हिदना इला इब्राहिम व इस्माइल तहिरा बैतिया लिताइफीन बलातिफीन सुजोद। अल्लाह ने रिजा फरमा तो मैं बाप ते पुत्र नबी हो, कयामत तक मेरे घर लोगों ने परौना बल के आना है, लोग सजदे ते रुकू ते इत्तेकाफ ते तवाफ करने आना है। अल्लाह ने फरमा तो मैं बाप ते पुत्र नबी हो, जांदियां जांदियां मेरे परौने वास्ते मेरे घर की सफाई करी जाओ, नथू चकवाल खुरबो जवार दिया ने बारे हो। जब अल्लाह दे अपने घर की बारी आई, अपना घर नबिया तू साफ कर जो मुहम्मद घर की बारी आई, परमा तेरा घर मैं साफ कर देना। जिन्हों समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। अपने घर की वारी आई तो फरमाए अंत हिरा बई थी, दोवें नबी मेरे घर नु पा करो। ते जदो आई ना मुहम्मद दे घर की वारी, फरमा भाई तहरकुम तत्हीरा, तेरा घर मैं पा करा। ले चलना अदरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह लै दे दरबार उते। यार जितना बड़ा इज्तिमा है उतनी आवाज नहीं आ रही। राणा जाहिद महमूद, राणा महबूब आलम, राणा अब्दुल कयूम साहिब ने कितनी मोहब्बतों के नाल देखो ना सारे बनेरे सजा देते। किसी बाबे ने आख्या सी कि पानी भरन मटियारियां ते रंगा रंग खड़े, भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। है उन्होंने तो तोड़ चढ़ा दिता माशाला। शाह जी किबला हजूर भी तशरीफ लैके आई, खुशबख्ती है साड़ी। तो हूँ तो आडा तो मेरा फर्ज है कि असी हौले हौले तसव्वुर ते तखय्युल च महफ़िल नूं मदीने ते मदीने तो करबला लै जाइए। उच्चा बोलो आरफ खड़ी मियाँ मुहम्मद बख्श गद्दू। जदू गए ना आले नबी दी तहारत वाल ते पकीदगी वाल, मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने आल नबी आल नबी औलाद अली दी
ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਬਸ ਨਾਮ ਲਿਆ ਲੱਖ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਅੰਦਰ ਦੀ नबी दे घर वाले कि बस नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी इन्हां दे नाम दियां तस्बीहां पढ़िया इंसान दे अंदर दी मैल धुल जांदी पाक हो जांदा है इन्हें पाक ने नबी दे घर वाले आल नबी औलाद अली दी गिरामी कदर हजरात सैयदजादे बैठे ने मैं गल ना करा मेरा गुजारा नहीं होना क्योंकि मैं फजाइल जो कि सादात दे बयान करने ना औलाद ने बेटे की औलाद नस्ल नहीं होंगी बेटे की औलाद नस्ल होंगी ताइया लोग रब तो पुत्र मांगते ना कि या अल्लाह पुत्र अता कर मियां साहब ने फरमाना कि सिख पुत्रां दी डाढ़ी होंगी आखन लोग सियाने नबिया भी मंगिया कर कर उधर बहाने नबी भी रब तो पुत्र मंगते क्यों क्योंकि नस्ल पुत्रा तो जारी होंदिया ने आ जिहड़े सैयद ने आ जिहड़े नूर वाले ने किसी के ज़हन च ख्याल आवे कि यह नबी की बेटी की औलाद ने ते बेटी की औलाद दोतरे नस्ल नहीं होंगे पोतरे नस्ल होंगे ने यह तो अली की औलाद ने फिर इन्होंने आले रसूल ते नस्ल रसूल क्यों किया जाता है तो आइए मैं कुरान की दलील अर्ज करा ओही सवाल है जिहड़ा उम्मवी खलीफा मंसूर ने हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर को किया कह लगा तुसी नबी दी आल किवें हो गए तुसी ते अली दी औलाद हो नबी दी बेटी दी नसल हो हजरत इमाम बाकिर उल उलूम हजरत मुहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया खलीफा जे मैं कुरान च इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ा तो वह आयत भी दस दी है कि असी सैयद मुहम्मद के पुत्र हाँ ये कुरान चो अबना अनाब अबना अकुम आयत मुबाहला पढ़ा तो वह आयत भी दस दी असी सैयद मुहम्मद के पुत्र हाँ पर आ मैं तेन कुरान च एक लुत्फ वाली आयत सुनावा उस वेले इमाम बाकिर ने एक आयत पढ़ी ये आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी पढ़ा बे मुर्शदे नाल मैं कदे बोलिया ही नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह आ जिहड़ा बेली हाथ नहीं चुकदा नाल दा बंदा सहारा करा के हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह आपले परमा अल्लाह कहंदा वा मिन ज़ुर्रियतिहि दाऊद व सुलेमान व यूसुफ व मूसा व हारून व कذلك نجزي المحسنين परवरदिगार ने फरमाया हज़रत दाऊद नो आदम दी नस्ल च पैदा किया असा सुलेमान नो आदम दी नस्ल च पैदा किया असा हजरत इलियास ने आदम दी नस्ल च पैदा किया असा अय्यूब नो आदम दी नस्ल च पैदा किया असा यूसुफ नो आदम दी नस्ल च पैदा किया असा मूसा ते हारून नो आदम दी नस्ल च पैदा किया आदम दी नस्ल दा जिक्र करदे आ करदे आ अल्लाह फरमा वादा करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्ल मिन सालिहीन परवरदिगार ने फरमाया ज़करिया ते यहया नु ईसा ते इलियास ने आदम दी नसल च पैदा किया अर्ज की दिया ला आदम दी सारे नसल ने ईसा किवें आदम दी नसल हो गए क्योंकि आदम सारे दे बाबा दे दादा लगते ने ईसा दे ते नाना लगते ने क्योंकि ईसा दा बाप कोई नहीं अल्लाह फरमा दुनिया वाले हो सारे नबी अपने बाप वाले आदम दी नसल ने ईसा अपनी मां मरियम वाले आदम दी नस्ल है इमामे बाकर ने फरमाया खलीफा के मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने दी नस्ल हो सकदा है फिर ज़हरा दा हुसैन भी अपने नाने दी नस्ल हो सकदा
आल नबी औलाद अली दी, औलाद अली दी ने पर आल नबी दी ने। अल्लाह ने जिन्हां नूं तहारत अता फरमाइया, अज किसी की बरादरी च एक बंदा अजमत वाला होवे ते सारी बरादरी उहदे ते नाज करदी हो। कहिंदे ने साडे घर अपना वजीर है, मुशीर है, यार उस बरादरी नूं किन्ना कु नाज होवेगा जिहड़े वेहड़े च सारे ही अजमत वाले ने, जिहड़े वेहड़े च सारे ही अजमत वाले होण। मैं ते उहनां दा तज़किरा कर रहा, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बड़ा उल्बरा है। अल्लाह 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 नबी का घराना ये घराना बड़ा उल्बरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। किसे मुश्किल तो डर दे होंगे जिन्हां दे घर अपना ही मुश्किल कुशा होए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमाता, बनी इसराइल मैं तुहानू आलमीन ते फजीलत दी। या अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाता, इस वास्ते कि बनी इसराइल च मैं नबी भेजे, वजअलकुम मुलूका। अल्लाह फरमाता, मैं उन्हें च बादशाह भेजे, लथु चक वाले हो, फैसलाबाद वाले हो, कुरब जबार तो आने वाले हो, और जिन्हों में नबी आन ते बादशाह आन वह फजीलत वाले ने, जिन्हों च नबियों का इमाम आवे उन्हां दी फजीलत नूं फिर कौन बयान करे जिन्हां दे वेड़े नबियां दा इमाम वसदा होवे, जिहड़े नबियां दे इमाम दे वेड़े च वसदे होवन उन्हां दी फजीलत नूं कौन बयान करे। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। मैं ते जिक्र उहदा करन लगा वो जिहड़ा नबी दे मोढ़िआं ते बह जावे। तवज्जो थोड़ी जी भाई, जिहड़ा नबी दे मोढ़िआं ते बह जावे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, पाक पतन दा दूला ते चिश्तियां दा इमाम, असरारुल औलिया च हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि शबे मेराज नबी पाक सने जोड़ियां अरशां ते गए ते जाके अरश दे तख्त ते मेरे नबी बैठ गए। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाओ, कायनात दे अंदर जिहड़ी सारे तो बुलंद तरीन जगह ते मुकाम है उहनूं अरश किया जांदा है। अरश तो उपर कुछ भी नहीं, ला मकान है, सब तो बुलंद अर्श है। अर्श किन्हों कहते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह च जदों हुद हुद परिंदा लेट होया ना, ते आपने फरमा किथे सैं? उन्हें अर्ज की, मैं मुल्क सबा दी सैर करन गया सा, उत्थे इक मलका वेख के आया, बिलकीस जिहड़ी सूरज दी पूजा करदी है। ते आपने फरमा, वेख के की आया है? अर्ज करदा, वाला हा अर्शुन अजीम, उहदा तख्त बहुत बड़ा है। अज में स्टेज बनाए ना ये बैठन वास्ते भी, जिते उपर बैठा जावे उन्हों तख्त किया जाता है। तख्त नो अरबी दे अंदर अर्श किया जाता है। कुरान ने दसिया के वाला हा अर्श नदीम, अर्श तख्त नो कहते हैं। अल्लाह ने तख्त क्यों बनाया? उन्हें अर्श क्यों बनाया? क्योंकि अर्श ते तख्त नो कहते हैं। तख्त बैठने वास्ते होता है, बैठता वह भी जिहड़ा खड़ा होके थक जाए। तो अल्लाह ते ना खड़ा होता है, ना थकता है, ना बैठता है। फिर उन्हें अर्श क्यों बनाया तो तख्त क्यों बनाया? इतने जो शबे मेराज सने जोड़िया, मेरा नबी जाके अर्श ते बैठा, ते कायनात नूं फिर पता लगा रब नूं ते बैठन लई तख्त दी लोड़ नहीं। रब ने अर्श दा तख्त मुहम्मद लई बनाया कि सोनिया आप इस तख्त ते बैठ ते रब दे सारे जहाना ते शहनशाही कर। ताइयों आला हजरत ने फरमाया, अर्श हक है, मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जिहड़ा नबी जाके अर्श पे बैठ जावे, ते अर्श जिस नबी दे पैरां दी जुत्ती दे तलवे दे नीचे होवे, हुसैन उस नबी दे मोढ़िआं ते बैठा है। जिहदे पैरां दी जुत्ती दे थले तिन्ना लैने पाक दे तलवे दे नीचे सारी कायनात दीआं बुलंदियां खत्म हो जाण, हुसैन उस नबी दे मोढ़िआं ते बैठा है। ते जिहड़ा बैर नबी दे मोढ़िआं ते जावे, मैं एक फजीलत अर्ज करां। एक दिन जिबरील मेरे नबी दी बारगाह च वही लैके आए,
ते वही अर्ज करन लगे ते मेरे आका फरमा रोज उधरों पैगाम लेके आना है कदे मेरा भी ला जाया कर। अर्ज की माहिया हुक्म होवे सैयद आलम ने फरमा के जा जिब्रील मेरे अल्लाह नु पुछ के आके तेरा महबूब पुछदा है कि या अल्लाह तेनु कायनात च सारे तो चंगी जगह केड़ी लगदी है ते मंदी जगह केड़ी लगदी। जिब्रील बड़े चाई चाई गए। थोड़ी देर दे बाद आके अर्ज की कमली वालिया अल्लाह फरमांदा चंगी जगह मस्जिद लगदी है ते पूरी जगह ते मंदी जगह बाजार लगदी है। ये वखरी गल है कि अज असा मस्जिद वीरान कर दितियां ते बाजार आबाद कर देते उंज अल्लाह नु चंगी जगह मस्जिद लगदी है पूरी जगह बाजार लगदी। मेरे आका निगाह रहमत उठा के वेख्या ते जिब्रील दा रंग उड़िया पाल बिखरे हाल बेहाल हजूर वेख के फरमान लगे जिब्रील एक ही हालत बनाई। अर्ज की कमली वाले रोज अल्लाह का पैगाम लेके आंदा सा ना अज पहली बार तो हाड़ा लेके गया ते मैं सिदरा ते जाके अर्ज की या अल्लाह तेरे माही दा स्नेहा लेके आया तेरे यार दा पैगाम लेके आया तेरे महबूब दा मैसेज लेके आया। अर्ज की कमली वाले मैंने आख्या अल्लाह दी आवाज़ है जिब्रील जरा नेड़े आ जा। नेड़े गया अल्लाह परमा होर नेड़े आ जाओ होर नेड़े गया अल्लाह परमा होर नेड़े आ जाओ। अर्ज की अल्लाह ने अजे न करीब ला लिया मेरे ते अल्लाह दे दरमियान 70,000 परदे रह गए। उत जलिया तवे के आया जड़ी मेरी बर्दाश्त च कोई नहीं नथु जग वाले खुरबो जबार पियाने वाले हो ओ जेड़ा नबी दा पैगाम लेके जावे ओ ते रब दे इना करीब जांदा है ओ किथे पहुंचदा होवेगा जेड़ा बैठा ही मुहम्मद है मोड़िया जेड़ा बैठा नबी दे मोड़िया ते जावे उस हुसैन दी बुलंदियां नु कौन बयान करे ओ जेड़ा बैठा नबी दे मोड़िया ते जावे। अल्लाह ने कुरान मजीद च एक संदूक दा जिक्र फरमाया ते अल्लाह ने कुरान मजीद च दस्या कि संदूक कितनी फजीलत वाला। मुफस्सरीन फरमा दे ने कि अगर बनी इसराइल उस संदूक नु सामने रख के अर्ज कर दे ने या अल्लाह पुत्र अता कर अल्लाह पुत्र दे देंदा है संदूक नु सामने रख के ते अर्ज कर दे ने संदूक दा वास्ता या अल्लाह बारिश अता फरमा बारिश आ जांदी ते अर्ज कर दे या अल्लाह सानू फतह अता फरमा अल्लाह दुश्मन से फतह दे देंदा है। ओही संदूक है अज भी यहूदी उस संदूक नु ढूंढ रहे क्योंकि जब तक उस संदूक बनी इसराइल को रहा वह अन्नी फद्दल तो कुम अलल आलमीन दा ताज उन्होंने सर ते रहा क्यों उस संदूक च है कि बड़ा कुरान सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह जिंदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बाबे दी लोरी ते पालिया चुप रवे जिंदी मां दरूद दी लोरी ते पालिया वह बोले सुभान अल्लाह। हुण कुरान विच उस संदूक दा जिक्र किवें आया अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना आयत मुल्क ही अय्यातियकुम ताबूत फी सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून तहमिलुल मलाइका। मुफस्सरीन फरमाते ने उस संदूक के अंदर हजरत मूसा दी अजदियां ने अल्लाह ने कुरान च फरमाया तहमिलुल मलाइका अल्लाह फरमाता फरिश्ते उस संदूक नु मोढ़िया ते चुके फिर देने नथू चकबालो जिदे विच मूसा दियां चुपियां आन उनो फरिश्ते मोढ़िया ते चुके फिर देने ना ते गलो दी पिया करना जिनो मुहम्मद मोढ़िया ते चुक के फिर दे हुण बोलो सुभान अल्लाह भाई हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। पता चलिया जड़ा बह ही नबी दे मोढ़िया ते जावे उन्हों अल्लाह कैसी आ फजीलता कैसे मर्तबे कैसे मुकाम अता कर दे। और मैं अक्सर पढ़िया करना वा खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा। उसी बोले नहीं चलो फिर कदे पढ़ लवांगे सियाने कहंदे ने जिदा खाइए ओदा गाइए जिदी अम्मी दस के भेजे ना पुत्रा तू सारी जिंदगी पलिया ही हुसैन दे नाने दे लंगर ते
खैरुल बशर की आंख का तारा। फिर बोलिया जे तारा स्टेज वाले फिर तारा जड़ा हुसैन। देखो ना करबला दे बाद दो ही तरह के बंदे रह गए ने, या बंदा हुसैनी आंदा ते या यजीदी आंदा है, क्योंकि हुसैन ते यजीद सिर्फ दो नाम नहीं, मुआशरे दे दो किरदार भी ने, चंगे सारे हुसैनी मंदे सारे यजीदी। असियां हुसैनी मामा दे पुत्र, साडा किरदार भी हुसैनी होना चाहिए ना। असी हुण दसना कि असी अपने मुर्शिद दा जिक्र करन आए आ, अपने पीरां दे पीर दा जिक्र करने वास्ते आया, ते जेड़ा रल के मेरे नाल पड़े खैरुल बशर की आंख का तारा, हाथ नहीं चुकता उसके नाम एक पैगाम अर्ज कर लगा। हो सकता है किसी के ज़हन में ख्याल आवे कि आसी साहब भी बार बार क्यों कहते हैं हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़ा कर लो। मैं मिंबर रसूल से बैठा, मैनू कसम मिंबर वाले रसूल दी, तुहाडे हाथ खड़ा करन च मेरा कोई फायदा नहीं, मगर मैं हाथ इस वास्ते खड़ा करवाना। सूरह यासीन च अल्लाह फरमा अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमांदा कयामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। ते मेरा जी करदा जदों कयामत नूं अल्लाह मेरे और तुहाडे हाथ नूं पुछे कि बंदा तेरे नाल की करदा सी, ते हाथ कहे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी। उंज जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी ना, ते मैं उच्चा हो के नारा मारदा सा। हुण पढ़िए सारे खैरुल बशर की आंख का तारा, तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा। हुसैन है जहरा का दिल आराम दुलारा, हुसैन है हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की, हर काम कह रही है हमारा 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 हुसैन है, हर काम कह रही है हमारा हुसैन है। कौन दिवाली जबान मुंह च डाल के चूसा दिलवा रहे, किसी ने वे के अर्ज की थी कमली वाले यार इहदे नाल बड़ा प्यार कर दे। मेरे आका ने फरमाया मैं ते जेड़ा करना करना रब मेरे नाल बहुता बड़ी मोहब्बत का नुकता अर्ज करा। शाह जी किबला हुजूर तशरीफ फरमा ने ज़ियारत सैयदज़ादों की करी जाओ, गल सुनो जो प्यार करे ना नबी के पुत्रां नाल, नबी बड़ा ही प्यारा लगता है। वो बड़ा ही प्यारा मेरे नबी नूं जिहड़ा मेरे नबी की नस्ल ते मेरे नबी की औलाद पाक नाल प्यार करे। यजीद ने करबला च आज ते नहीं किया, उन्हें प्यार ही ते नहीं किया नबी के पुत्रां नाल, उन्हें बेअदबी ते गुस्ताखी ते जुलम किया नबी की आल उत्ते। ते अल्लाह ने इन्ना शानिया का हवल अबतर के वादे भी ते पूरे किए ना। यजीद के 18 या 17 पुत्र सन, ते यजीद की औलाद ते किधरे नसबी नज़र नहीं आउंदी। ते हुसैन दा ते करबला च इको ज़ैनुल आबिदीन बच के आया सी, ते है ना हर पासे फिर सैयदा दी बहार नजरी आ रही। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया इन्ना आतैना कल कौसर, असा तेनु कमली वालिया कौसर औलाद देवांगे ना। ते इन्ना शानिया कहवल अबतर भी फरमाया कि जड़ा तेरी नस्ल मिटावेगा, जब मैं कयामत तक उहदी नस्ल ही ना मिटा देवा मैनू मुहम्मद दा रब कौन आखेगा। एक सैयदज़ादा पिया गुजरे ते बगदाद दी गली है, आज 3 दिन गुजरे के सैयदज़ादे दी दिहाड़ी नहीं लगी, ते घर विच गुरबत बच्चियां जवान ने, ते घर विच फाका 3 दिन दा। उस सैयदज़ादा जो शाम नूं घर जांदा ते बेटियां पुछदियां ने बाबा खावन वास्ते की लेके आए हो, सैयदज़ादा जो निगाह झुका लैंदा ते बच्चियां समझ जांदियां कि अज बाबा दी दिहाड़ी नहीं लगी। उस
शहजादे ने बेटिया नूं तीसरे दिन आख्या कि बेटी अज मैं शाम वेले कुछ ना कुछ खावण लई लै के आवांगा। जदों आए ते बगदाद की गली ते बाजार विच ते अज दिहाड़ी ना लगे सूरज जूजू डुबदा जावे सैयद दा दिल भी डुबदा जावे कि अज घर गया ते बेटिया नूं मूंह किहड़ा विखावांगा। एवें नहीं रब ने मेरे तेरे ते एक महीने दे रोजे फर्ज कीते। रब कहिंदा अमीरो तुसीं भी रोजा रखो ते गरीबो तुसीं भी रोजा रखो। क्यों? अल्लाह दसना चाहता कि अमीरा रोजा रख, जो शाम नु तेरे पेट च भुख दे नाल गर्मी महसूस होगी ना, फिर तेन पता लगेगा जो गरीब का बच्चा भुखा सो जाए तो रात गरीब तक किवें गुजरती है, रात कितनी मुश्किल होती है गरीब उत्ते। मियां साहब फरमाते रोगों में रोग जे डाढ़ा जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते ने रिश्तेदार गरीबी। जवानों सैयद अज तीसरा दिन है, आके बगदाद की गली च फिरदा दिहाड़ी नहीं लगी ते सूरज डुबदा जावे। अचानक एक मुनादी करने वाला करीब तो गुजरिया, उन्हें ऐलान किया कि जड़ा शाही पहलवान जुनेद नाल कुश्ती करेगा ना बादशाह नूं मुंह मंगिया इनाम देवेगा। सैयद नूं ख्याल आया होवे ना ते मैं शाही पहलवान जुनेद नाल कुश्ती करा, हार ते जाना ही है, जे हार भी गया तो बादशाह बादशाह होंगे ने कुछ ना कुछ तो देगा ना। सैयदादा आ गया बादशाह के दरबार से, आके तो कह लगा बादशाह तेरे शाही पहलवान जुनेद नाल मैं कुश्ती करांगा। बादशाह ने सिर तो लैके पैरों तक सैयद ने वेख्या कि नहीफ तो कमजोर जहा जिसम है फाकिया के नाल। बादशाह ने आख्या कि तू कमजोर जहा इंसान है तो ये जुनेद है जिहड़ा वक्त का रुस्तम है, ईरान शाम इराक दे अंदर कोई पहलवान इहदा मुकाबला नहीं करता, हड्डियां पसलियां तोड़ देता है। और जनैद सिर्फ पहलवान नहीं बादशाह दा मज़ाहब ते करीबी भी है कि बादशाह दे नाल तख्त ते बैठता है, जिहदी सिफारिश करे उहनूं वजीर बना देता है। सैयदजादे ने बादशाह वल वेख के आख्या बादशाह तैनूं अपने पहलवान ते एडा ही ना दे ते उहनूं लिया ना अखाड़े दे अंदर, मेरा जिस्म वेख के यह ना कह के मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि तगड़ा वेख के डरीए ना ते माड़ा वेख के लड़िए ना। मैदाना वेच जिस्म नहीं लड़ते, हौसले ते दिल लड़ते ने। उन्हें आख्या के लिया ना अपना पहलवान मैदान दे अंदर। बादशाह भी जलाल आ गया तो जुनैद ने भी ख्याल आया कि इन्हों लिया ना तेरा अखाड़े चीजें पसलियां तोड़ देगी। बादशाह ने बगदाद ऐलान कर दिया कि शाही कुश्ती होवेगी होनी होवेगी, सारा बगदाद उमड़ के अखाड़े च आ गया। जुनैद जब लगोटा करके ते अखाड़े च आए तो लोगों दी निगाहां उन्हों ढूंढ रही जिहड़ा जुनैद ना मुकाबला करेगा। अचानक लोगों वेख्या कि एक दुबला पतला जा इंसान ते लगोटा करके जो अखाड़े के अंदर आया तो लोग मुस्कुरा पे कि अज तो दो लम्हों कुश्ती खत्म हो जानी, ये नहीफ तो कमजोर जहा बंदा तो जुनैद इतना पहलवान है इदिया हड्डियां पसलियां तोड़ देगा। जो दोनों पहलवानों ने हाथों च हाथ डाले ना तो जुनैद ने थोड़ा जहा जोर लगा के सैयद के हाथों को दबाया तो सैयद समझ गया कि मैं कमजोर हाँ तो बहुत कमजोर हाँ। जो कुश्ती का आगाज होवन लगा ना सैयद ने जुनैद काना चक आखिया मैं पहलवानी मैं सैयद मैं पहलवानी मैं सैयद नबी दिया लाओ अज तिल दिल गुजरे मेरिया बचिया ने खादा कुछ नहीं। जुनैद कदे हार जाए तेरा जाता कुछ नहीं मेरा कम बन जाता अज जे कदे हार जावे मैं कयामत नूं तेनूं नाने खुले नाम लैके देवांगा। फैसलाबाद नथू चकबाल जुनैद नूं ख्याल आया सारी जिंदगी जितदा रहा अज जे सैयद कोलों हार जावा कयामत नूं कमली वाला प्यार करेगा। जुनैद ने सैयद नूं चुके सीने ते बिठा लिया, सैयद ने नारा लगाया मैं जित गया। बादशाह ने आख्या ना ना मेरे पहलवान दा पाँव फिसल गया, दोबारा कुश्ती कराई जाए, दोबारा कुश्ती हो गई। नौजवान जुनैद फिर हार गए, तीसरी बार कुश्ती हुई जुनैद फिर हार गए। बादशाह ने सैयद नो इनाम देके टोरे आओ जुनैद नो महल चले आके पुछिया हारिया किवें, कहन लगा बादशाह मैं पहलवान कोई शिवर ते नहीं जिहड़ा नबी दे पुत्रां दे सीने ते बह जावा, मैं कोई यजीद ते नहीं जिहड़ा नबी दी आते ज़ुल्म करा। नौजवान जुनैद रोंदे रोंदे घरे आ गए, अधी रात वेले रोंदिया रोंदिया अख लग गई
कमली वाले ख्वाब आ गए। मेरे नबी फरमाया जुनैद मैं तेरी कयामत नु इंज लाज रखनी है जिवें तू मेरे पुत्र दी लाज रखी है। फैसलाबाद वाले गौसे पाक सारे पीरां दे पीर ने कादरी शजरा पढ़ के वेख लो जुनैद बगदादी गौस पाक दे पीरां दे भी पीर। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਮਰਤਬੇ عطا ਕਰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ, ਖੂਨੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੈਯਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ क्योंकि मामला रब नाल है। हीरा चिकड़ विच पिया होए ते हीरा हीरा ही होंदा है, जदों धो लवो उदों ही हीरा है। हीरा हर हालत च हीरा ही होंदा है, कीमती होंदा है। नबी दे खून नाल प्यार करो। मैं अक्सर गल सुना ना, मैं जिमनन सुना देवा, मौलवी अशरफ अली थान भी देवबंदी अपनी किताब अल इफादत अल यौमिया च लिखे है कि हिंदुस्तान के अंदर एक मौलवी साहब सन जिन्हों का नाम से मौलवी कलंदर अली। इस पाए दे आलमे दीन सन के हर रात ख्वाब विच नबी पाक की ज़ियारत नसीब होती सी। दुआ करिया को रब सारे दे नसीब च करे। दिल करदा ना नबी पाक की ज़ियारत करन नूं। तरीका दसां जिहड़ा सूफिया ने ते अहले तसव्वुफ ने बयान किया। याद रखियो साइंस भी कहती है ते तसव्वुफ भी कहते हैं कि रात नूं सौण लग्या जिहदा ख्याल लैके सो जाइए ख्वाब भी उदे ही आउंदे ने। ते रात नूं गाना सुनदा ते फिल्म वेखदा ना ना सोया कर। रात नूं नबी ते दरूद पढ़दा सोया कर ते ख्याल नबी दा लैके सोया कर, फिर ख्वाब भी नबी दे आवन। दरूद शरीफ पढ़दे सोया करो। दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि सूफिया फरमाते ने कि अगला दरूद शरीफ पढ़ने तो पहले पहले पिछला दरूद शरीफ नबी पाक तक पहुंच जाता है। ये दरूद शरीफ एक चेन सिस्टम में तेरे कोल लैके ते मदीने तक चेन बन जाती है। कदे वेखी जे चेन आसान करके अर्ज करा सियालकोटी पंजाबी ज़बान च अर्ज करा संगल संगल दा एक सिरा हिलाइए ना ते दूसरा भी हिलदा है। जदों तू तो चेन सिस्टम दरूद दा बना के इधरों सिरा हिलावेगा ते कुंडी मदीने भी खड़क जावेगी। हाँ, ते गुलाम पिया याद कर दे। दरूद शरीफ पढ़ दे सोया करो ताकि ख्वाब विच नबी पाक दी ज़ियारत नसीब होवे। वुज़ू करके सोया करो, बावुज़ू सोया करो ते आख्या करो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। राती आवे कमली वाला ख्वाब विच फिर खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ख्याल नबी दे लैके सोया कर ताकि ख्वाब भी नबी दे आवन। मौलवी कलंदर अली हर रात ख्वाब विच नबी पाक दी ज़ियारत होनी। एक दिन बच्चियां नूं क्लास विच पढ़ा रहे थे, एक बच्चे दे मुंह ते थप्पड़ मारिया। वह बच्चा सैयदां दा सी, थप्पड़ ते मार लिया मगर रात सुते अज कमली वाले ख्वाब विच नहीं आए। अगली रात हजरत मौलवी कलंदर अली जल्दी लेट गए कि राती ख्वाब विच कमली वाले आवनगे, पर कमली वाले फिर नहीं आए। रात तीसरी भी गुजर गई। मौलवी कलंदर अली दियां दौड़ां लग गईयां, कदे किसे वली दी बारगाह च, कदे किसे साहिबे दिल कोल, कदे किसे हजूरी वाले कोल जांदे ने ते जाके कहंदे ने पुछो कमली वालिया आउंदा क्यों नहीं। किसे ने आख्या मौलवी जी हुण गल इत्थे नहीं बननी, मदीना तैयबा चले जाओ। मदीने दी गलियां च इक मजजूबा औरत सुनिया, उस मजजूबा औरत दा डायरेक्ट नबी नाल राबता है। मौलवी कलंदर अली मदीना तैयबा चले गए। उस औरत नूं जाके कहन लगे पुछ कमली वाले आउंदा क्यों नहीं।
औरत कह लगी वे मौलवी नाले नबी दे पुत्रा नू मारना नाले नबी दिया ज़ियारता मंगनाए मौलवी कलंदर अली दिया चीखा निकल गईया आके नबी पाक दे रोदे ते रोंदे ने अर्ज कर दे ने कमली वाले मैनू नहीं सी पता बच्चा सैयद आउंदा है मैनू नहीं सी पता बच्चा नबी दी औलाद है अर्ज कर दे ने कमली वाले मैं ते तेरे दर्द कुत्तियां दा भी गुलाम हूं मदीना ते यबा नबी दे रोदे ते रोंदे ने नाले मदीने दे बच्चियां ते सैयदां दे कदम चूमदे ने एक दिन औरत सामने आई कहन लगी बे मौलवी ए दरिया शुभा रसूलुल्लाह फरमा दे मौदे इशारे बल वेखिया अगे सुपिया नबी वेखदा सा उन्हें जाग दिया नबी वखा दिता जड़ा प्यार करे नबी दे पुत्रा नाल जड़ा अकीदत रखे नबी दी नसल दे नाल इन्ना नवाज दे ने कहंदा है बड़ा लजपा है तेरा घराना पढ़ोगे भाई सारे रल के सारे मिलके पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या गिरामी कदर हजरात एडे लाडा दे पले फिर जदों करबला दे मैदान च आए मैं चंद लम्हा तुहानूं करबला सुना के ते बस मैं इजाजत चाहवां क्योंकि मैं दूसरी महफिल च 2 बजे पहुंचना है गिरामी कदर लाडा दे पले सन ना फिर आए ना जदों करबला दे मैदान च यजीदियां ने नबी दी आल दा इहतराम ते अदब ना कीता फहीम चौराही साहब मैनूं कह रहे सन कि अज सानूं सैयदा ज़ैनब दे बच्चियां दा जिक्र सुनाया जे नौजवानों दुनिया ते लखां पैना प्यार ने कमांदियां ओ सखियां भी होन पावे बच्चे नहीं कोहांदियां पैना दे ते परावां नाल जायदादा दे मुकदमे ही नहीं मुकदे उस बहन दी अज़मत उस सलाम ना करिए ओ जिहड़ी शरीकतुल हुसैन है दुध विच भी हुसैन दी शरीक है पाप विच भी हुसैन दी शरीक है नाने दे मोड़ियां ते खेड़न च भी नाने दे अदा हुसैन दी शरीका है ओ यारो मदीने तो लैके करबला दे सफर तक हुसैन दी शरीक है कुर्बानियां च भी हुसैन दी शरीक है दुखां दी शरीक हुसैन दी यकीन करे आ जे जिन्ना मौकियां ते औरतां वैन करदियां ना उन्ना मौकियां ते ज़ैनब सजदे भी करदी सी ज़ैनब दा मक्की किरदार करबला दर्ज कर रहे थे बहुत लंबा ते तवील उनवान है ना सैयदा ज़ैनब जद मैं जिक्र छेड़ा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा इको कौल मेरी पूरी तकरीर दा निचोड़ हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमा दे साडा काफिला मदीने तो तुरिया ते मक्के आया 300 मील दा सफर करके असी मदीना तैयबा तो मक्का शरीफ आए मक्के तो तुरे ते करबला पहुंचे कुर्बानियां दे के कैदी बन के कूफे गए ते कूफे तो टुरे ते असी मुल्के शाम दमिश्क दे अंदर यजीद दे कैद खाने तक गए यजीद दे कैद खाने तो मुड़ करबला ते करबला तो मुड़ मदीने 6 महीने दा सफर कीता उन 6 महीने दे अंदर कायनात दा हर दुख हुसैन दी आल ने बर्दाश्त कीता पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा दे इन 6 महीने दे अंदर इन दुखां दे बावजूद भी मैं अपनी फुफो ज़ैनब दा एक तहज्जुद दी नमाज दा सजदा भी छोड़दा नहीं देखिया ओ जिहदी तरबियत फातिमा वर्गी मां ने कीती होवे
سیدہ زینب نے دکھان دے باوجود ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہ چھوڑیا. نوجوان جدو سارے ایک ایک کر کے ٹوری جا رہے نا, اچانک سیدہ زینب اپنے ویر دے خیمے چاہیاں تے عرض کر دیاں ویرا بہنا جدو ویرا دے بوے ہوں دیاں تے ویر خالی نہیں ٹور دے. فرما جی میری باجی, جی میری بہن. سیدہ زینب حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی, عبداللہ بن جعفر او جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر, امیر ترین خاتون مدینہ طیبہ دی شہزادی, اتنی سخیہ کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی ایک دن آ کے آکھیا زینب تھوڑی سخاوت کریا کر, کچھ بچیاں لئی جوڑ کے رکھ. تے فرما دیا ویرا مینوں انج لگدا جی میں رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے. او ایڈی وڈی سخیہ زینب کربلا دے میدان چوں نے سخاوت انج کیتی کہ ویر نوں عرض کر دیا ویرا میں تینوں ایک نانے دی حدیث سناواں آئیاں. فرمایا بول زینب. عرض کر دیا ویرا میں سنیا کہ نانا نے فرمایا صدقۃ رد البلا, صدقہ دیا کرو بلاواں ٹل جاندی گنے. میرے امام نے فرمایا ہاں زینب اے حدیث نانا جان دی ماں بھی سنی ہے. تے سیدہ زینب فرما دیا ویرا اج تیرے تے بڑی وڈی بلا آئی ہے, تے بہنا ویراں دے صدقے دیندیاں نا, اج میں بھی تیرا صدقہ دینا ہی ہاں. سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے زینب مینوں پتہ تو بڑی وڈی سخیہ ماں دی بیٹی ہے, تیرے ورگی سخیہ آسمان نے زمین تے اج تک کوئی نہیں ویکھی, پر کربلا دے ٹبے تے تو بھی پردیساں تے میں بھی پردیسی بن کے بیٹھا ہوں, کی صدقہ کریں گی؟ سیدہ زینب نے اپنی کانڈ پیچھو اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے کیے تھے, کھڑے کر کے کہنے لگی سونے ہاں جے بلا وڈی آئی ہے تے میں صدقے بھی وڈی کرنا ہی ہاں, میں تیرے تو اپنے پتر ہی صدقے کر دے ہاں. میرے امام نے اپنے بھانجے نو سینے لگا کے فرمایا بھانجے جدو نانکے آؤ نا تے نانکے تحفے دے کے بھیج دینے, تے زینب میں انہاں دا ماموں لگنا نا, میں انہاں دی جان لے کے تے میں تیری گود کیویں اجاڑ دیواں. سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ویرا ساری زندگی جدو بابا علی کل گئیاں کدے مینوں خالی نہیں ابو نے ٹوریا, امی کل جدو گئیاں مام نے کدے خالی نہیں ٹوریا, تو سخی ماپیاں دا سخی پتر ہے مینوں خالی نہ ٹوری. میرے امام نے زینب نو پھڑ کے سینے نال لایا, فرمایا زینب کی چاہنی ہے؟ عرض کر دیا بے ویرا میرا جی کر دما اپنا پتر تیرے تو وار دے ماں, میں اپنے پتر تیری ذات تو بار دے ماں. میرے امام نے بانجیاں نو اپنے سینے دے نال لایا, فرمایا زینب پتراں نو لے کے مدینے تر جاؤ, انہاں نو پال کے جوان کری, بڑے ہو کے نانے دی دین دی خدمت کرن گے. سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا بے ویرا جد قیامت دا دن آوے گا تیرے اکبر نے اپنے سینے دے پٹ وکھا لینے نے, قاسم نے پسلیاں ٹٹیاں وکھا لینیاں نے, نکے جی اسگر نے حلق دا تیر وکھا لینے, عباس نے بازو کٹے وکھا لینے نے. امی نے پوچھنا نہیں زینب کی لے کے آئی ہے, میں امی نو کی وکھاواں گی؟ عرض کر دیا بے ویرا میرے پتر قبول کر لائی. میرے امام سینے لگایا, فرما جا زینب میں اجازت دینا پتراں نو تیار کر, او لوگوں کلے جا پھٹ جاندا ہے. سیدہ زینب پتراں نو خیمے چ لے کے آئی, پتراں دیاں زلفاں سوار دیاں نے, نالے روندیاں نالے متھے چوندیاں نے, پتراں نو نویں سوٹ پہنا کے نکیاں نکیاں تلواراں دتیاں, تے پتراں نو کربلا دی تپدی ریت نال تیمم کرایا. فرما دیاں جے پانی ہوندا پھلا کے ٹور دی, فرما دیاں میں پتروں جا اج ماں دی لاج رکھ کے آنی جائی, دعا پترا مان جفے وار لائی. عرض کر دینے امی لاج کی میں رکھنی ہے؟ فرما دیاں میں پتروں اج عباس نے اپنی ماں مل بنی دی لاج رکھی جائی, اکبر نے اپنی ماں میں لیلہ دی لاج رکھی ہے, قاسم نے اپنی ماں میں فربہ دی لاج رکھی ہے, وے نکے جی اسگر نے اپنی مار باپ دی لاج رکھی ہے, او بھی علی دے لال نے تسی بھی علی دے دوترے ہوئے میری لاج رکھ کے آنا جائی. ارد کا دنے امی لاج کی میں رکھی دیئے, فرما دیا میں اپاس دے بادو کٹے گئے, میں
मामू ने आए नहीं की कासिम दिया फसलियां टूट गईं उन्हें जाती वारी आए नहीं की अकबर दी लाश ते घोड़े दौड़ गए उन्हें आए नहीं की निके जी इस घर से अलग ज तीर लगे उन्हें जाती वारी आए नहीं की मां दी लाज रखे तीर वजे हाय ना करे आजे जब लाश खेमे च आन एक भी तीर खंड ते ना आया वे सारे सीने ते खा के आने जाए सैयद ज़ैनब पुत्रा नु तैयार करके टोर दिया औलादा वाले अज सवेरे मावा बच्चा नु स्कूल भेज दिया नहीं ते मावा पुत्रा नु तैयार करके कह दिया ने वे खरी जाओ खरी आओ पुत्र टुर दे मावा सजदे च सिर रख लैंदियां ते मावा कहदियां नीली छत वा लिया के जांदियां दी कंड वेखी है औंदियां दे चेहरे वखा दे वी मावा कहदियां तत्ती वा ना लगे मावा कहदियां ठिड्डा ना लगे ओए मामा पुत्रां नूं टुर दे कहदियां वे कट्ठे जायो कट्ठे आया जाए मावा कहदियां वे निक्किया वड्डे दे नाल रहना ई वड्डिआं नूं कहदियां निक्के दा ख्याल रखना ई पर ज़ैनब तेरे आत्मा तू सद के जावा पुत्रां नूं टोर दिया जिंदगी दी दुआ दित्ती नहीं फरमा दिया वे जाओ अज मां दी लाज रख के आना जे अज नाने दे दीन तू कुर्बान के आना जे ओए मामा पुत्रां नूं टोर दिया पुत्र दूल्हे बन दे घोड़ियां ते बिठा दिया शगना दे गीत गांदियां उस मान शादत दे कने बन के टोरे आओ जड़ वेले सैयद ज़ैनब दे लाल टुरे फरमा दिया जा पुत्र वे अल्लाह हाफिज अज मेरा नाम नहीं लेना आवा तीर वजन ते आए आए नहीं करनी अज जुलम सी मरदा सैना फरमा दिया जे को पुछे कौन आए हो इन्हें आख्या जे अली दे पुत्रे आए इन्हें आख्या जे हुसैन दे बांजे आए हो आख्या ने जे नौ ज़ैनब दे पुत्रे आए हाँ जे यजीदी पुछन कौन आए हो आख्या जे हुसैन दे गुलाम आए हो जाओ पुत्र मैं तेनू अल्लाह दे हवाले कीता नौजवान ज़ैनब दे पुत्र टुरे कोहराम मच गया खेमे च चीखा दियां आवाज़ां आ रही सैयद ज़ैनब पुत्रां नूं टोर के सजदे च सिर रख लिया अर्ज करदियां रब्बा अज मैं सारी जिंदगी दी कमाई नाने लुटा मन लगियां अर्ज करदियां ने रब्बा तेरा केड़े मुंह नाल शुक्र अदा करा अज मेरी औलाद वीरां दे कम आ गई है मैं जवान जड़े वेले ज़ैनब दे पुत्र निकले इंज लड़े यजीदियां दियां गर्दनां उड़दियां नजरे आ रही किधर जाने खिजाओं दे पत्तियां दी तरह यजीदी झड़ दे जा रहे शिमर पुछ दे कौन ने किसे ने आख्या अली दे दुबरे ने ए ज़ैनब दे पुत्र ने ए हुसैन दे बांजे ने शिमर दे लबां चो निकले आओ कह लगा शेरां दे पुत्र शेरियों दे एक जालम ने तलवार मारी वड्डे वीर दा बाजू जमीन ते डिग पिया निके ने आंखे वड्डे दा बाजू चुके आ देखा मैं वाल वे के कह लगी अम्मा दस लाज रखी है के नहीं सैयद जन फरमा दिया में लड़ी जाओ ते तुसी मां नु बड़े प्यारे हो पर नाने दा दीन तुम्हारे नालों में प्यारा है नौजवान तीरां दी बारिश हो गई जड़ पहले दो में लाल घोड़े तुड़ी गन लगे कह लगे मामू जी फड़े आज मेरे इमाम दिया दौड़ा लग गई आई सैयद हसन सजदे च रोन लग पई आई इमाम ने लाशा ले आके जद ज़ैनब दी गोदी च रखी नाले जुल्फां सवार दिया करबला दी रेंद साफ कर दिया नाले फरमा दी बेशक पुत्र ए ठंड अखियां दी घर विच करन उजाला पर इना नालों बद के मैनो ओ कालियां जुल्फां वाला फरमा दिया लो वे पुत्रा हवाले रब दे
ते नाराजी तेरे ते होई बिग दरबार नबी सरवर दे अज लाज मेरी रखियो पई। तेरा जोंदा रवे ज़ैनुल आबिदीन, तेरी ते नसल टुरेगी ना, पर मैं ते दो ही लाल सन दोवे करबला छड़ चली हूं। लखां सजदियां सलाम है ना इमाम हुसैन करोड़ा सलाम ने ज़ैनब दे सजदियां भी जिन्हें करबला दे मैदान अपना सब कुछ कुर्बान करके वैने किते सजदे किते। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ, अल्लाह मेरी थोड़ी हाजरी नूं कबूल फरमाए, बानिया ने माफिल अल्लाह बरकाते अजीम अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाइया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।